नमस्कार, आज के औरंगाबादिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम आज ये देखना चाहते हैं कि कल दिवाली हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे पटाखे बजाए गए थे, क्या लोगों ने सड़क पर गंदगी रखी है या फिर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी समझते हुए सड़क को साफ कर दिया है। देखिए, यहाँ पे सड़क को साफ रखा गया है और सारी गंदगी सारी सफाई करके सड़क पटाखों के जो बाकी पार्ट्स हैं, बकाया पार्ट्स हैं, उनको साइड में करके रख दिया गया है। और औरंगाबाद शहर, ये एक्चुअली मैं जो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में हूँ और इस शहर में, इस कॉलोनी के अंदर वाकई में सफाई रखी गई है, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं, मेन सड़क पर जब चलेंगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। हम आ गए हैं सेवन हिल्स फ्लाईओवर के पास और हम ये देखना चाहते हैं कि आज ट्रैफिक की हालत क्या है। जनरली साधारणतः इस समय ट्रैफिक की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, पर चूंकि औरंगाबाद शहर में ये जो हफ्ता है, ये हफ्ते का लास्ट दिन है, सैटरडे है, इस हफ्ते में छुट्टी दी गई है, इसलिए आप कम भीड़ देख रहे हैं। तो क्या ये आग लगी है? अरे बाप रे, ये देखना है यहाँ पे आग लगी है क्या? तो हम ये देखने आए हैं यहाँ पर क्या आग लगी थी। इतनी भयानक आग लगी थी यहाँ पर, धुआं बहुत जोर से चल रहा था। ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, उसने यहाँ पे आग लगा कर रख दी है। अरे ये देखिए, कचरे में उन्होंने आग लगाई है। देखिए आप, कचरे में आग लगाई है। तो खैर, हम लोग वापस जा रहे हैं। किसी घर के अंदर आग नहीं लगी, लेकिन फिर भी इस कचरे में आग लगाने के कारण बहुत ज़्यादा धुआं उठा था। बड़ा फेस्टिव सीज़न है, बड़ी प्रेजेंट सी धूप यहाँ पे खिली हुई है औरंगाबाद में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सड़क पर ज़्यादा गंदगी नहीं करके रखी है, पर एक तरफ से दूसरी चीज़ मतलब पता ये चल रहा है कि लोगों ने कचरे को साइड में करके उस पर आग लगाई है। ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड कंबशन करते तो शायद अच्छा रहता, पर फिर भी चलिए कचरे को मिनिमाइज करने के लिए कुछ तो कोशिश की होंगी। तो हम लोग आ गए हैं मनियार मार्केट के समूह, मनियार मार्केट के सामने हम लोग आ गए हैं और ठीक सामने ही महात्मा गांधी मिशन का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अंदर एक मेस होगा, उसके अंदर जाएंगे, हम देखेंगे उसके अंदर क्या रेसिपी है। के आगे हम लोग देखेंगे एक रोड बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से रास्ता बंद करके रखा है, उस रोड पे हम चल के दिखाएंगे।
ये चलना ज़रूरी है। वेलकम बैक, हम लोग उस रोड के करीब आ चुके हैं जो रिपेयर के अंदर है। तो कहा जा रहा है कि वो रिपेयर किया जाएगा, अभी हम देखेंगे क्या किया गया है। तो देखिए, रोड रिपेयर के नाम पर उन्होंने पूरी जगह बंद कर दी है और पिछले एक हफ्ते से कहा जा रहा है कि रोड रिपेयर होगा। अब आपको रोड की स्थिति दिखाते हुए ले चलता हूँ। देखिए, ये हॉस्पिटल का एक्सेस गेट है। देखिए आप, ये हॉस्पिटल का एक्सेस गेट है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं, और हॉस्पिटल के सामने ही इन्होंने खोद के रखा है पूरा। तो पहले छोटे छोटे एग्रीगेट थे, अब बड़े बड़े एग्रीगेट चलते हैं। और लोगों को कैसे तकलीफ देना है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेसन है ये। ये देखिए आप, ये कैसे चल रहे हैं मुझे पता नहीं। इस पूरे रोड के आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं हम लोग। हम लोग ये पूरा रोड पार करके आ गए। अगर इंसान को तकलीफ़ देना है तो कैसे देना है, ये सीखिए ये लोगों से। एक पूरा स्ट्रेच जो है उन्होंने बंद करके रखा है, हॉस्पिटल का एक्सेस डोर बंद करके रखा है। अब हॉस्पिटल में लोग कैसे घुसेंगे वो पता नहीं। हम आ गए हैं कैंटीन में, अब हम घुसेंगे उसके अंदर।